इस वक्त की बड़ी खबर महोबा से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में पहाड़ की मिट्टी धंसने से बड़ा हादसा हुआ है। खनन कार्य में लगी मशीनें धंसने से 3 लोगों की मौत हुई है, कई और लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। आधा दर्जन से अधिक मजदूर मलबे में दबे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है, अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए हैं। सूचना पर भारी पुलिस बल के साथ आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। पूरा मामला करबई थाना क्षेत्र के पारा गांव का बताया जा रहा है। सामने आया है किस तरीके की बुरा घटना है और कितने लोग इसमें जो है इंजर्ड हुए? देखिए, अभी हमारे को 1:30 बजे के करीब इसकी इन्फॉर्मेशन मिली और तत्काल में और एसपी साहब मौके पर आए और हमने देखा ये एक धनराज जी है, उनका पट्टा चल रहा है, 2019 से चल रहा है, 10 साल का पट्टा था, वैट पट्टा है। इसमें 5 मजदूर काम कर रहे थे और जैसे लैंडस्लाइड टाइप हुआ, उसमें हमने पूछा तो कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि कोई एक्सप्लोजन ऐसा कुछ नहीं हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, उसमें ये लोग नीचे दबे, तो उसमें से 2 लोगों को हमने निकाल लिया था रेस्क्यू टीम ने और उनको हॉस्पिटल भेजा गया, उनमें से 1 की डेथ हो गई है, अभी 1 जिंदा है और 2 की यहाँ पर डेथ की हमें सूचना मिली है, अभी हमने जाकर भी देखा तो 2 डेथ है और 1 अभी रेस्क्यू हमारा चल रहा है, उसमें देख रहे हैं कि कोई और ना बचा। 3 की मौत है। हाँ, इसके अलावा और कोई घायल वगैरह भी? हाँ, 1 घायल है, वो अभी हॉस्पिटल में सभी लोग उनका इलाज चल रहा है। नहीं, अभी हम और देख रहे हैं, चेक करा रहे हैं, ट्रेन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें हमने अपने जीसीबीज लगाए हुए हैं और चेक कर रहे हैं कि अगर ऐसा ना हो कि और भी कोई लोग इसमें लगे। सर, क्या पाया गया? नेमो के विपरीत काम चल रहा था? नहीं, नेमो के विपरीत नहीं था, इसमें अभी तो डिटेल जांच में हम पता करेंगे। प्राइमो फैसी तो ऐसा कोई लग नहीं रहा कि कुछ इलीगैलिटी थी, इसमें वैध पट्टा है, हमने चेक भी करा लिया और वो धनराज जी हैं इसके पट्टे धारक, उनका पट्टा परिवारों में कोई आईडी कार्ड? देखिए, उसमें हम नियम के अनुसार हमने यहाँ पर हमारे डीजी बैठते हैं वहाँ पर उनको इन्फॉर्म कर दिया है गाजियाबाद में, माइंस वो आके इसकी जांच करेंगे और हम अपने स्तर से जो भी हमारी कार्रवाई करनी है उसको। महोबा से रमन दीक्षित की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।